आएंगी। ओ हो, ये सिर्फ एक मिनट के लिए, मतलब 10 सेकंड के लिए सौते करके बस निकाल। अच्छा, बता रहा हूँ, मोमोज का साइज देखो आप सबसे पहले। मोमोज का साइज बहुत बढ़िया है। दोस्तों स्वागत है आप सबका चडोरा पॉइंट के एक और नई वीडियो में। भाई आज हम आए जनकपुरी इटली इंदा टाउन को कवर करने के लिए। भाई इनके ब्राउन सॉस पास्ता की जो है ना, हमने काफी तारीफ सुनी है और मोमोज वगैरह भी काफी ज्यादा फेमस है। बिल्कुल, इन दो चीजों का तो ऑर्डर करेंगे ही, बाकी देखते कुछ और पसंद आएगा तो उसको भी ऑर्डर करेंगे। बाकी चलते हैं, यहाँ की ऑनर से आपकी बात करवाएंगे और लोकेशन के बारे में जो है ना आपको थोड़ी देर में बताते हैं, पहले चलते हैं ऑर्डर करते हैं। तो भाई दोस्तों अभी मैं हूँ जी शिवानी जी के साथ, जो इस शॉप की ऑनर है। इन्हीं से बात करते हैं कि इनको कितना टाइम हो गया यहाँ पे इस शॉप को ओपन करे हुए। शिवानी जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ शॉप करो? भैया जनकपुरी में 10 साल हो चुके हैं जी, बाकी ये वाली शॉप हमारी 7-8 साल से है। तो जनकपुरी में मतलब पहले कहीं और था? सीपुरी मार्केट में लगाते थे। अच्छा, अच्छा। हमारा स्टॉल था छोटा सा। शुरू से ही आप कर रहे हो या? नहीं, पहले हस्बैंड करते थे, उसके अच्छा। बाद अब मैंने ज्वाइन किया। अब हस्बैंड आपके? हस्बैंड जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। और आप सारा का सारा काम जो है वो आप संभाल रहे हो? हाँ जी। हमने आपके जो है ना ब्राउन सॉस पास्ता की काफी तारीफ सुनी है, तो एक तो हम वो जरूर ट्राई करेंगे। मोमोज का साइज मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो एक तो कोई भी मोमोज में आपको जो भी आइटम आपको पसंद आता है वो हमें ट्राई करवाइएगा। थर्ड चीज बताइए क्या ट्राई करें? थर्ड आपको मैं बुर्शेटा खिलाऊंगी, हमारे यहाँ का फेमस है। ठीक है। गार्लिक ब्रेड के ऊपर वेजिटेबल्स की स्टफिंग होती है जी, वो जी। बहुत अच्छा है, आप वो भी ट्राई करो। चलिए ठीक है। सबसे पहले बना रहे हैं जी हम ब्राउन सॉस पास्ता, और ये पैन में हमने ले लिया जी गार्लिक। हाँ जी, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम है, बेल पेपर्स हैं, कैरेट है, जुकनी है, बेबी कॉर्न है, मशरूम है, ब्रोकली है, ये सारे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं। और ये सारी के सारी जो हैं ब्राउन सॉस पास्ता में भी जाएंगी। ओ हो भाई फ्लेम देखो क्या जबरदस्त आई है। ये हमारी वाइट सॉस है। वाइट सॉस है, ठीक है। अब ये क्या डाल रहे हैं? ये ब्राउन सॉस है। ये ब्राउन सॉस आपने पहले से तैयार कर रखी है? होममेड सॉसेज हैं। अच्छा अच्छा, ये बढ़िया कि आप पहले से प्रिपेयर करके ले आते हो यहाँ पर, है ना? हाँ जी, वो हस्बैंड बनाते हैं, हस्बैंड शेफ है ना। अच्छा, तो हाँ जी वो बनाते। क्या बात है भाई, बंगा वेजेस देख ले यार, क्या साफ सुथरी जो है कटिंग करके रखी हुई है ना। और अब इसमें डाल रहे हैं जी पास्ता, ये बॉयल पास्ता है, दो तरीके का डाल रहे हैं आप इसमें? हाँ जी, फ्यूजली एंड पैनली। ठीक है जी। बाकी ये इसमें चीज जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पोर्शन साइज दिख रहा है, बड़े आराम से पेट भर जाएगा बंदे का है। अब ये डाल रहे हैं जी हम, इसमें हर्ब्स डालेंगे। ठीक है जी, हर्ब्स डाल रहे हैं सारे। ठीक है, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स। ठीक है जी, अब क्या डाल रहे हैं? ये अमूल की फ्रेश क्रीम है। ठीक है, हमने बहुत बढ़िया यार, डिफरेंट है, मतलब रेड सॉस, वाइट सॉस, पिंक सॉस तो देखा ही है, ये अलग है। ये आपको दिल्ली NCR में कहीं पर मिलेगा नहीं। जी जी जी। हाँ जी, ये ब्राउन सॉस पास्ता, तो इसकी रेसिपी आपने तैयार करी या सर ने तैयार करी? ये हस्बैंड ने तैयार। अच्छा, आपके हस्बैंड ने तैयार करी। देखो साथ के साथ ही जो है ना दीदी जो है क्लीन भी करती जा रही हैं, ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये लेडीज़ जो यहाँ पे इंचार्ज होती है ना, वहाँ पे ये चीज़ जो है ना सफाई ज़रूर मिलेगी। और हुनर देखो, मतलब चीज़ भी बनती जा रही है और सफाई भी साथ में करती जा रही है दीदी। ये हो गया भैया ब्राउन सॉस पास्ता। ठीक है जी, रेडी है ना भैया? हाँ जी। ठीक है, इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी। ठीक है भाई, ये हमारा ब्राउन सॉस पास्ता जो है बिल्कुल रेडी है। आप देखो, लुक देखो यार इसकी, क्या बढ़िया आ रही है। ये आ रही है इसके ऊपर फ्रेश क्रीम, बहुत बढ़िया जी। ये सैलरी इसके ऊपर। ठीक है, रेडी है जी? हाँ जी बिल्कुल रेडी। बहुत बढ़िया यार, दिल खुश हो गया भाई देख के। तो अब बना रहे हैं जी हम पनीर फ्राइड मोमोज, पनीर ग्रेवी मोमोज। पनीर ग्रेवी मोमोज, ठीक है। तो ये कितने पीस लिए हमने मोमोज के? ये सर 10 पीस है। 10 पीस हैं, तो उसको जो है अब हम फ्राई कर रहे हैं। ठीक है जी, ये अब हमारे मोमोज जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। ग्रेवी हमारे 4-5 तरीके के ग्रेवी है। ठीक है, बट आपको अभी मैं पनीर टिक्का ग्रेवी वाले मोमोज। अच्छा, बढ़िया भाई। और मोमोज भी हमने पनीर वाले लिए हैं। हाँ जी, पनीर मोमोज है और उसमें पनीर टिक्का की जो फिलिंग्स होता है वो ग्रेवी में, वो वाली ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जा रहा है जी गार्लिक। गार्लिक जाएगा। अरे इसमें हम कोई वेजिटेबल यूज नहीं करते, सिर्फ स्वीट कॉर्न। अच्छा, और क्या बात है, तो पनीर टिक्का में स्वीट कॉर्न जाने वाला है, कमाल है भैया, क्या बात है। ये हमने डाला है जी गार्लिक, गार्लिक बॉर्डर है,
ओहो फायर देखो भाई क्या जबरदस्त है। ठीक है पहले क्या डाल रहे हैं, वाइट सॉस ये इसमें ऐड हो गई जी, थोड़ी सी केचप ये आ गई जी, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छा थोड़ा सा जाएगा इसमें मैगी मसाला। ठीक है जी, ठीक है जी, अब इसमें डाल रहे हैं जी हम चीज़, अच्छा चीज़ ज़रा इसमें ज़्यादा डालेगा है। ठीक है भाई, तो काफ़ी खुला जो है इसमें जो है ना चीज़ डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। केचप आ गई, गरम मसाला आ गया, मैगी मसाला आ गया इसमें, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जाएगा जी अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है जी लाल मिर्च भी आ गई, ऑरिगैनो भी जाएगा इसमें थोड़ा सा, और चिली फ्लेक्स। क्या बात है यार, ठीक है जी अब थोड़ा सा आगे जी इसमें जिंजर, थोड़ा सा जाएगा इसमें धनिया, भाई रंगत देख लो यार, इसमें टेस्ट आएगा बिल्कुल पनीर टिक्के वाला है। क्या बात है भैया, मतलब इसमें जो है पनीर मोमो डालने के बाद जी ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, ये सिर्फ एक मिनट के लिए, मतलब 10 सेकंड के लिए सौते करके बस निकाल। अच्छा 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 भाई रंगत देखो यार, क्या दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश गया। ठीक है जी अमूल क्रीम आ गई ऊपर गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा आ गया इसके ऊपर धनिया, और थोड़े से स्वीट कॉर्न, अरे वाह भाई वाह क्या बात है। अभी हमारा बन रहा है ये बुशेटा, गार्लिक ब्रेड का नेक्स्ट स्टेप होता है, गार्लिक ब्रेड के ऊपर वेजिटेबल्स लगती हैं और ये सॉस लगी है मैक्सिकन सॉस है। ठीक है हाँ जी, इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगेंगी और फिर उसके ऊपर चीज़ लगेगा। तो मतलब आपने पहले ब्रेड को हल्का सा जो है ना, हाँ रोस्ट किया है, रोस्ट किया हाँ जी बिल्कुल जी। अब इसके ऊपर सारी वेजिटेबल्स लगेंगी जिसमें बेबी कॉर्न है, मशरूम है, ब्रोकली नहीं है सॉरी, बेल पेपर्स, ब्रोकली भी है, ब्रोकली है और ये बेल पेपर्स हैं, अनियन है, ये सारी 7-8 तरीके की वेजिटेबल्स हैं। इसके ऊपर चीज़ लगेगा, चीज़ के बाद ये बेक होएगा, उसके बाद अब जब हम इसको निकालेंगे उसके बाद भी इसमें 2-3 तरह की सॉसेस लगती हैं। ठीक है अभी जा रहा है जी इसके ऊपर चीज़, अब ये बेक होने के लिए अंदर जाएगा, कितनी देर के लिए, 5-7 मिनट। भाई यहाँ के एड्रेस इन्फॉर्मेशन सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूँ, इनकी शॉप के जस्ट साथ में है राम मंदिर जनकपुरी का, और उसके साथ में ही है इनकी इटली इन द टाउन की शॉप। तो भाई दोस्तों हमारा टेबल हो गया है जी रेडी, हमने तकरीबन 4 चीज़ें ले ली है, साथ में ले लिया भाई सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि आज जो है ना गर्मी जो है भाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे इसकी क्लोज लुक, उसके बाद टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको दिखा रहे जी ये जी हमारा ब्राउन सॉस पास्ता, इसकी हमने आपको मेकिंग दिखाई थी, आप देखो ऊपर जो है ब्लैक ऑलिव है, कैरेट है, वेजेस तो भाई साहब बहुत ही कमाल की, बहुत सारी हैं इसके अंदर, और भाई पास्ता देखो यार क्या बढ़िया, लुक को देखो क्या बढ़िया लग रही है, मतलब आपने जो है ना व्हाइट और जो है रेड सॉस पास्ता और पिंक सॉस पास्ता तो देखा होगा कई जगह बिल्कुल, लेकिन ब्राउन सॉस पास्ता भाई इनका जो है ना काफी बढ़िया लग रहा है। और ये जी हमारे पंकज ब्रुशेटा, भाई आप इसकी लुक देखो यार क्या बढ़िया लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है भाई, मतलब इस तरीके की जो है ना आपने गार्लिक ब्रेड इससे पहले नहीं देखी होगी, काफ़ी अच्छी वेजेस डली हुई है और 3 तरीके की, तो इसके ऊपर सॉस डली हुई है भाई, 1000 है, एक उन्होंने बताई थी इटालियन सॉस, मैक्सिकन, तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है यार इसकी लुक देख के, तो भाई मैं बता रहा हूँ भूख बढ़ रही है पंकज, बहुत बढ़िया लग रहा है, ये है कुछ यूनिक सा, बाकी ब्राउन सॉस पास्ता भी यूनिक है। बाकी भाई हमने जो है ना आपको दिखाने के लिए इनके मोमोज लिए हैं, आप देखो ऊपर की लेयर जो है ना कितनी पतली है कि अंदर वेजेस जो है वो नज़र आ रही है सही में, और ये देख पंकज जो मैं मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ भाई, ये देख रहा है अंदर की स्टफिंग देखो भाई, पनीर, कैप्सिकम, अनियन, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया है भाई, लेयर बहुत थिन है भाई, लेयर बहुत थिन है भाई, इस तरीके के मोमोज जो है काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये है जी हमारा पनीर टिक्का ग्रेवी मोमोज, और भाई मैं आपको बता रहा हूँ मोमोज का साइज देखो आप, सबसे पहले इसका साइज बहुत बढ़िया है, ये एक मोमोज है भाई, सिंगल मोमोज का साइज 2 के बराबर है, स्वीट कॉर्न डाला हुआ है, काफी क्रीमी है भाई, इसकी लुक बहुत शानदार है यार, मजा आ गया लग रहा है भाई। और इसकी स्टफिंग दिखाऊं क्या एक बार पंकज, खोल के देख अंदर की स्टफिंग देखो भाई, और काफी गर्म है यार, ओहो पनीर देखो भाई अंदर कितना मेरा पनीर डाला हुआ है, बहुत पनीर डाला हुआ है यार, बहुत बढ़िया भाई।
और भाई अब बारी है इसको टेस्ट करने की, कहाँ से स्टार्ट करें उनका? सबसे पहले करते हैं इनका पास्ता। सबसे पहले हम ट्राई करने लगे जी पास्ता। और भाई इसकी लुक जो है ना, इसकी लुक क्या, चारों चीजों की एक से बढ़कर एक से बढ़कर। टेस्ट करें भाई, हल्का सा जो है ना, वो जो जब फ्राई किया था ना, जो फ्लेम निकली थी वो स्मोकी टाइप का फ्लेवर, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है यार। स्मोकी फ्लेवर है और डिफरेंट है, बाकी आपने रेड सॉस व्हाइट सॉस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और टेस्टी है भाई। टेस्ट अच्छा है, हल्का सा थोड़ा सा स्पाइसी है, हाँ, मगर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब टेस्ट करते हैं भाई ब्रुशेटा। ब्रुशेटा गार्लिक ब्रेड, इस तरीके की ऊपर इतनी जबरदस्त स्टफिंग, बाइट लें चलो भाई। ये बहुत कमाल की चीज़ है यार, हमने ये सेम चीज़ जो है ना कहीं और भी ट्राई करी थी, लेकिन वहाँ जो है ना हमें बिल्कुल भी एक पैसे का भी टेस्ट नहीं आया था, इसलिए जो बेस था ना वो हार्ड हो गया था, बहुत हार्ड हो गया था। ये बेस जो है ना, मतलब उन्होंने बेक कर रखा है, टोस्ट कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप खाना सको, मजेदार। और ऊपर जो है वेजिस का जो खेल है ना भाई, अल्टीमेट सॉस वगैरह जो डली हुई है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक तो जो है ना भाई ब्रेड का साइज काफी अच्छा है, 170 रुपए में 4 पीस मिल रहे हैं यार, और क्या चाहिए। और टेस्ट जो है ना भाई अल्टीमेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मजा आ गया। अब मोमोज खाते हैं, चिली पनीर मोमोज। 110 रुपए के भाई 10 मोमोज हैं, साइज हमने आपको दिखा दिया है, अंदर की स्टफिंग आपको दिखाई है, बहुत ही कमाल की है। अब इसको टेस्ट करते हैं भाई, बहुत बढ़िया है यार ये भी। इन दोनों के अंदर जो है ना, मतलब ये थोड़ा सा पास्ता जो है हल्का सा स्पाइसी था, इसके अंदर वेजिस का खेल है बिल्कुल, और इसके अंदर जो है ना शिमला मिर्च और पनीर का टेस्ट आ रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना पनीर और शिमला मिर्च का, एग्जैक्टली वो टेस्ट आ रहा है, क्योंकि जो ऊपर की लेयर है ना वो इतनी पतली है कि उसके बारे में तो पता ही नहीं चल रहा। और फुल प्लेट है 110 रुपए के 10 मोमोज, बहुत बढ़िया भाई। लास्ट चीज ट्राई करते हैं, ग्रेवी पनीर टिक्का मोमोज। मज़ा आ गया यार, मैं कह रहा हूँ तीन चीज़ें ट्राई करी हैं, तीनों बढ़िया है भाई। और ये देखो भाई, जंबो मोमोज है, जंबो मोमोज है भाई। इसके लिए जो है पंकज टिश्यू पेपर चाहिए होगा, क्योंकि गिरेगा जरूर। तो भाई अब ट्राई करते हैं ग्रेवी पनीर टिक्का मोमोज, 180 रुपये इसका प्राइस है, और इसमें भी आपको जो है ना 10 पीस मिलेंगे। टेस्ट करते हैं भाई, मज़ेदार, मज़ा आ गया भाई। क्या पनीर टिक्का का जो फ्लेवर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर इटालियन हर्ब्स डाल रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनो डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, तो कैसा फ्लेवर आएगा। लेकिन भाई बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, मजा आ गया। और निरा पनीर है, प्याज वगैरह नहीं डाला हुआ अंदर जो है, हमने आपको स्टफिंग दिखाई है इसकी, पनीर इतना बढ़िया डाला हुआ है। मोमोज का साइज जो है ना तकरीबन 2 मोमोज के बराबर का है भाई, और ये जो है ना पूरी बड़ी बाइट एक ही बार में जाएगी, गिरना शुरू हो गया। अब ले भाई, फूड वाकई में बहुत कमाल का है। चार चीज़ें हमने यहाँ से टेस्ट करी हैं, चारों की चारों जो है ना बहुत कमाल की है। यहाँ तक कि पंकज ये भी कह सकता हूँ कि भाई यहाँ आओ टेस्ट करो, उसके बाद जो है ना हमें कमेंट करके बताना कि आपको फूड यहाँ का कैसा लगा। बाकी हम यहाँ की लोकेशन के बारे में बता चुके हैं, फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैप वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और भाई टाइमिंग जो है ना सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है, 7 डेज ओपन है, मतलब पिज्ज़ा वगैरह भी है। ये नहीं कि जो हमने आपको दिखाया सिर्फ ये है, प्योर वेज शॉप है, यहाँ पे आपको नॉन वेज कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। ये जो है ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वेजिटेरियंस के लिए लॉटरी है वाला। बिल्कुल, इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद है डिसलाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।